हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मैं बस उठ के फ्रेशन अप होके पूजा पाठ करके अब जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट इज अवर फेवरेट मील ऑफ द डे, लिटरली सीरियसली मेरा और मौलिका दोनों का। ब्रेकफास्ट में है आज हमारी ऑफ कोर्स कड़क चाय एंड देन चीज ग्रिल सैंडविच। ये वाली होल वीट वाली है विथ सीड्स इन इट और ये बहुत पसंद है हम दोनों को। आजकल मैंने अब तो ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में भी सीख लिया है शुगर लेवल कम हो वो फाइंड करके खाना। और मौलिक देखो मज़े ले रहा है, उसको भी ये बहुत पसंद है ये वाली। और अगर आपने हमारा अमेजोन क्रेजी बीन्स वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने ये पोर्ट देखा होगा। तो मैंने सारे के सारे स्पेचुलाज स्पून सब कुछ वॉश करके ऑलरेडी रेडी रखा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ इट फ्रॉम टूडे। ये है एक्चुअली फ्लावर पॉट बट मैं उसको किचन में काउंटर टॉप्स पे ये सब स्पून होल्डर के लिए रखूँगी और बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। वैसे ये सिरामिक पॉट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं बट मुझे क्रेजी बीन्स में से अच्छी वाले डील में मिल गया था। अगर आपको देखना है प्राइस है और क्या क्या चीज़ ली थी तो आप हमारा व्लॉग देख लो अमेजोन क्रेजी बीन्स का, बहुत अच्छी डील्स हमने कुछ चीज़ें सिक्योर कर ली थी इसमें। और ये वाला जब मैंने पॉट देखा था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि फाइनली ये किचन में बहुत अच्छा लगेगा। फ्लावर्स उसके सनफ्लावर बड़े बड़े येलो कलर्स वाले हो तो बहुत अच्छा जाएगा काउंटर टॉप्स में। आई मीन लुक एट दिस। और मुझे कुछ बड़ी साइज में चाहिए था जो ज़्यादा स्पून को इकट्ठा होल्ड कर सके। दूसरा कंटेनर भी है पर उसमें डेली चीज़ जो यूज़ नहीं होती वो वाला रखा है एक्स्ट्रा, और इसमें एवरीडे यूजुअली यूज़ होती है वाली। आई एम जस्ट लविंग इट। उसके बाद आज का मेरा टू डू लिस्ट में सबसे पहले था क्लीनिंग व्लॉग करना, रिकॉर्ड करना मतलब कम्प्लीटली, उसके साथ साथ क्लीनिंग भी करना। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था बिकॉज घर की बहुत सारी चीज़ें अप्लाइंसेस वगैरह बाथरूम एंड वो सब कुछ मैंने आज के दिन काम भी किया था और साथ में रिकॉर्ड भी कर रही थी। सो ये एक माइक्रोवेव का हैक है, ये जो भी जितनी भी गंदगी है वो कितना गंदा है वो सब कुछ क्लीन कर देता है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर अपना एडिटिंग करने के लिए क्योंकि आज मुझे यूट्यूब में एक वीडियो डालना था। सो ये वाला थोड़ा सा लंबा व्लॉग था तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ तो मैंने हाफ़ ऑलरेडी इसका एडिटिंग डन कर दिया है। हाफ में थोड़ी देर के बाद करूँगी। अब मैं फिर से नीचे जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन के लिए बट वेदर देखा तो थोड़ा सा क्लाउड इन रेनी था। सो वी डोंट नो अगर आज वॉकिंग पे जा पाएंगे कि नहीं बट यू नेवर नो, इट्स कैनेडा। 5 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है सो लेट्स जस्ट होप। अभी तो कोई होप नहीं लग रही, मे बी लंच बनाने के बाद कुछ वेदर सुधर जाए तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60% मेरा एडिटिंग डन है। मैं अभी जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए, उसके बाद ऊपर आके आधा अधूरा जो भी बाकी है वो कंप्लीट करूँगी। तो आज के मेन्यू में है सब्जी में चने जो मैंने अगले दिन ऑलरेडी उसको भिगो के रखे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई भी सब्जी आज जब बनानी हो तो अगले दिन इसको भिगो के रखूँ पानी में ताकि टाइम सेविंग भी रहे और टेस्ट वाइज ये अमेजिंग लाइक सॉफ्ट बन जाती है, बहुत डिफरेंस होता है आप नोटिस करना। तो मैंने उसको नमक डाल के स्टीम करने के लिए रख दिया है और साथ में बनाने वाली हूँ आज फुल्का रोटियाँ गर्मा गर्म। तो रोटियाँ बनाने के साथ मैंने ऑल्सो रायता भी बना लिया एंड आई डोंट नो मैन, मुझे रायते का अचानक से इतना सारा ऑब्सेशन क्यों हो गया है। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज पे मैं बनाती हूँ, पता नहीं गर्मियाँ है क्या है पता नहीं बट मुझे जस्ट ये टेस्ट बहुत पसंद आ गया है। एनीवेज देन फिर मैंने सलाद भी बनाया और ये रात को भिगो के इसका छिलका निकाल के खाते हैं हम, तो वो भी आलमंड कर लिए। एंड गेस व्हाट, मैंने डेजर्ट में क्या बनाया उसके साथ, तो छोटी सी मौली के लिए सरप्राइज है ये चिकू मिल्क शेक जो हम दोनों को बहुत पसंद है। मैं उसमें बर्फ़ डाल के फ्रिज में रख दूँगी, यूजुअली मैं आइस अवॉइड करती हूँ बट गर्मी अगर ज़्यादा पड़ जाए तो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ। तो इसको मैं अभी मौली को नहीं बताऊँगी, ग्लास भर के फ्रिज में आराम से छुपा दूँगी कहीं अंदर एंड देन रात को हम आराम से पियेंगे। तो बस ये हमारा चिकू शेक तैयार है। इसके बाद ये मैं लंच का सब कुछ ख़त्म हो गया था, मैं अगेन ऊपर आ गई थी क्योंकि मेरा एडिटिंग बाकी था तो वो मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया और उसके बाद मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड करने के लिए भी रख दिया था। और वेदर एकदम गर्म हो गया अचानक से मस्त, तो फिर हम वॉकिंग करने के लिए सोच रहे थे। मैं जब नीचे गई तब देखो ये इसने ये ऑलरेडी ओपन करके यूज़ भी कर लिया। मुझे इसका अच्छे से एस्थेटिक वाला वीडियो बनाना था बट मौलिक मे बी वो सुपर एक्साइटेड, ये हमने ब्रांड न्यू लिया था ये सब ऐसी ठंडी चीज़ें बनाने के लिए। तो मौलिक ने बना के रखा ऑलरेडी, इसमें ककड़ी लेमन एंड स्ट्रॉबेरी डाली एंड ही वो सो प्राउड कि उसने बहुत अच्छा ड्रिंक्स बनाया। हालांकि रेसिपी उसने मेरे से ली थी, देखो कितना प्यार से देख रहा है अपनी मेहनत को।
एक्चुअली जब मैं एडिटिंग के लिए ऊपर गई थी तब मैंने ये जार को वॉश करके रखा था, क्लीन करके। मैंने सोचा नीचे आऊँगी तब मैं बना दूँगी, बट उसने देख लिया तो उसने सामने से सरप्राइज़ दे दी ऐसे बना के। एंड इट वॉज़ डिलीशियस। ककड़ी की थोड़ी थोड़ी टेस्ट आ रही थी, लेमन की आ रही थी, थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी का भी आ रहा था। तो बहुत अच्छा ड्रिंक था, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ये होता है हेल्थ बेनिफिट वाइज। और आज अचानक से गर्म वेदर हो गया, आप देख रहे हो सनलाइट भी रूम में, तो अच्छा लगता है ये वाला। तू मुझे कौन जा तेरा क्या कर दे यार गाइस आधे घंटे से बैठ गए वहां पे, इतनी हंसी आ रही है उसको। वॉकिंग के लिए जाना है, कल पनवेल भी जाना है, जल्दी चल। ये दे दूँ कौन सा वाला बोगू ये नो चढ़िया मसली हो। बस तो हम अभी निकल रहे वॉकिंग के लिए। मुझे वो हेल्प कर रहा है सॉक्स के लिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इंजरी की वजह से मेरे हाथ उस वाले पोज पे नहीं जाते, पेन होता है। तो बस रेडी होके जब निकल ही रहे थे तो उसको अचानक से मीम्स याद आ गए, वो भी मूवीज़, जो मूवीज़ उसने मुझे बिठा के 1000 बार दिखाई है, बट ही हैज़ टू टेल। देखना उसके एक्सप्रेशंस, लाइक एवरी टाइम मैं कहती हूँ कि यार मैंने देखी है, पता है पता है, फिर भी वो बच्चों की तरह स्टोरी कहता है, पता है उसमें ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। एनीवेज उसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुने ना सुनूँ ही हैज़ टू टेल, ही हैज़ टू टेल, मतलब मेरे को सुनना ही पड़ेगा। बट आई एन्जॉय इट एनीवेज। अभी डिबेट चल रही है कि सनग्लासेस पहने कि नहीं, क्योंकि बाहर इतना धूप है, तो डिसाइड करें कि कौन से वाला पहने। तो फिर फाइनली हम निकल रहे हैं, मेरे बाल भी बना रहा है वो, क्योंकि मेरा हाथ इतना ऊपर तक वहाँ नहीं जाता था, और वो प्रो हो गया अभी ये पोनी लेने के लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना सनी है। थोड़ा सा ठंडा था क्योंकि विंडी था वैसे, बट सनी होता है तो वी डोंट माइंड, लाइक लिटरली चलने में भी इतना मज़ा आता है, थकान नहीं लगती। वो थोड़ा सा कवर अप करना पड़ता है, इसलिए मौलिक ने भी थोड़ा सा गर्म टी शर्ट वगैरह पहना है, मैंने भी थोड़ा सा वैसे पहना है, बट सनी था सो नॉट बैड। सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर हो गया, एटलीस्ट हमारे 10,000 स्टेप्स तो हम कर पाएंगे, 10,000 नहीं तो एटलीस्ट थोड़े से ज़्यादा। और कनाडा में थोड़ा सा अच्छा वेदर हो, गारंटीड पार्क में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब ये अज्यूम करके चलो, क्योंकि बच्चे बच्चे भी लेके आ जाते हैं लोग, उनका भी थोड़ा सा आउटिंग हो जाता है, बच्चे खेल लेते, झूला वूला और वो सब सारी चीज़ें होती तो वो सब कर लेते। और बच्चे के हम भी बैठ गए, सामने गेम चल रही थी तो मौलिक ने बोला कि मुझे देखना है थोड़ी देर, एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड, लाइक गेम्स वाइज स्पोर्ट्स वगैरह उसे बहुत 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 पसंद है। तो सामने कोई खेल रहा था तो हम थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे वो व्यू, और सनी भी था तो सामने से हमने बोला कि चलो विटामिन डी भी ले लेते हैं। बस वॉकिंग करके चिल करके हम घर आ गए, और घर आके मौलिक ने बनाया मस्त अमेजिंग जूस, जो कैरेट जूस है, उसको पता नहीं था कि मैंने उसके लिए सरप्राइज में ऑलरेडी चीकू शेक रखा है अंदर, बट इसलिए उसने बना लिया। बट कोई नहीं, जूस तो हम पी लेते हैं समर में ज़्यादा, बहुत अच्छा अमेजिंग बनाता है मौलिक, इसमें कुछ होता नहीं, एक ही इंग्रेडिएंट्स होता है बेसिकली, बट स्टिल मिक्स एंड मैच जब भी बनाते हैं ना हम, तो वो बहुत अच्छा बनाता है। तो ये था हमारा फुल ऑफ लाइक विटामिन ए से भरा हुआ जूस। उसके बाद उसको ऑफिस से कॉल आ गया रात को, तो उसको ऑनलाइन होके काम करना पड़ा, तो उसने कुछ घंटे रात को अपने ऑफिस के काम के लिए दिए शाम को मतलब। उसके बाद हम पेटियो में आ गए, क्योंकि माय गॉड सनसेट, ये हमारे घर से सनसेट इतना प्यारा दिखता है, मतलब टच वुड नज़र ना लगे, इतना अच्छा सनसेट है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि बाहर बैठ जाते, थोड़ा सा ठंडा था, ब्लैंकेट हमने एक्स्ट्रा ले लिया जस्ट टू बी सेफ यू नो। और हमारे घर का लोकेशन इतना अच्छा है क्योंकि घर के एग्जिट सामने ग्रीन स्पेस एरिया मिला है, मतलब सामने देख रहे हो एग्जिट सामने, कुछ कोई बिल्डिंग्स वगैरह सामने नहीं है, लेफ्ट साइड है थोड़ा सा, बट राइट साइड पूरा एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गार्डन जैसा है अच्छे से, वहाँ पे भी बर्ड्स की आवाज़ वगैरह पूरे दिन आती रहती है, और सामने तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इतना ओपन व्यू हमको देखने को मिलता है, इतना कलरफुल हो जाता है स्काई, हम बहुत बार यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और किड्स वगैरह भी नीचे खेल रहे थे, और बहुत सेफ़ और अच्छा ये नेबरहुड है यहाँ पे, तो बस यही बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और जस्ट वी वर फीलिंग ग्रेटफुल कि ये वाला हमें घर अच्छे से मिल गया, इसका लोकेशन अच्छा है, और ये सब सनसेट हमें एंजॉय करने को मिलता है। वैसे भी कनाडा का सनसेट बहुत अमेजिंग है, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड। बाय द वे मेरी मम्मी ने सिखाया, मतलब वो पीती थी कभी कभार,
दूध में डाल के बहुत अच्छा और ठंडा होता है शरीर के लिए, तो कभी कभार पी लेना चाहिए। तो मैं दूध के साथ ऐसे मिक्स करके पीने वाली हूँ थोड़ा सा। ये इंडियन स्टोर में से मिला था मुझे, मैंने इसलिए नाम लगा के रखा है कि दे बोथ लुक आइडेंटिकल, पता नहीं चलता। और अगेन मौलिक के डर की वजह से ये लगाना पड़ता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग पीते हैं, गर्म पानी के साथ में मिक्स करके पीते हैं। मैं यूजुअली दूध में ही ऐसे ही डाल के, ठंडे दूध में ही मतलब मिक्स करके पी जाती हूँ। आप ज़्यादा गूगल कर लेना अपने रिसर्च के लिए, मेरी प्रोसीजर फॉलो मत करना, बिकॉज दिस वर्क्स फॉर माय बॉडी, दिस मे नॉट वर्क फॉर योर बॉडी टाइप, सो दैट्स व्हाई, या बट दिस सूट्स मी बेटर। इसके ना ये सब गुल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं तो क्या ही बताऊँगी आपको, आप गूगल ही कर लेना, डिटेल में बताएंगे। मैं सिर्फ एक शॉर्टकट में मैं बता दे रही हूँ कि बहुत ठंडा होता है शरीर के लिए। कुछ कुछ चीज़ें कभी जैसे हम गरम खा लेते, गरम मसाला या कुछ ना कुछ, तो बैलेंस करने के लिए, सो दैट्स व्हाई। वैसे कुछ इतना खास उसका टेस्ट नहीं होता, फीका ही लगता है, दूध के साथ तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो टेस्ट वाइज भी आपको ये बोधर नहीं करेगा। वो कहते हैं ना फालूदा जो जब पीते हैं तब उसके साथ जैसा होता है ना, वैसे वाला होता है। ये तो बहुत छोटे साइज के हैं तो इतना भी फील नहीं होगा आपको, पता भी नहीं चलेगा आप कब गलत कर जाओगे। चीयर्स, आजकल ऐसी चीज़ों से चीयर्स हो रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स डेली लाइफ इन कैनेडा, वॉट एवर हम जैसे भी पास करते हो, आपको देखने को मिले, सारे अपडेट मिले। एंड या प्लीज़ टेक केयर, एंड मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।